हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्स इंडियन फोर्स पायलट दीपक वसंत साठे की। दीपक साठे ये इंडियन एयरफोर्स के कैप्टन थे और अभी आपको पता है एयर इंडिया की जो एयरलाइन प्लेन क्रैश हुआ है कोझिकोड में, वहां ये पायलट थे। ये और इनके साथ को पायलट अखिलेश कुमार दोनों की ही मृत्यु हो गई है। बहुत सारे और भी कुछ लोग मारे गए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे पायलट के बारे में बताने वाली हूँ जिन्होंने बहुत सारी जिंदगियों को बचाते हुए अपनी जिंदगी गंवा दी है। और ये एक बहुत ही एक्सपीरियंस पायलट थे। सिचुएशन कितनी खराब रही होगी कि इतने एक्सपीरियंस जो पायलट थे वो भी चीजों को नहीं सही कर पाए। बट आप इस बात को समझिए कि इन्होंने अपनी सूझबूझ से जो एयरलाइन है उसमें आग नहीं लगने दी। आप समझिए, अगर आग लग जाती तो किसी को भी रेस्क्यू करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता। तो आज की इस वीडियो में हम दीपक वसंत साठे की थोड़ी बायोग्राफी यानी उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन को देखेंगे। तो देखिए, दीपक साठे ये मुंबई के रहने वाले हैं। इनका जन्म भी मुंबई में हुआ था और अभी ये पवई मुंबई में ही रह रहे थे। इनके फैमिली के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, बट इनके फादर बताए जा रहे हैं कि कर्नल वसंत साठे जो आर्मी से ही रिटायर्ड हैं, और इनके भाई जो आर्मी में ही रहते हुए जम्मू एंड कश्मीर रीजन में शहीद हो गए। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि उनकी डेथ कारगिल के टाइम पर हुई थी, बट एग्जैक्टली क्या इन्फॉर्मेशन है वो मेरे पास नहीं है, तो मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दी है। इन्होंने अपनी स्कूलिंग उत्तराखंड से की है। उसके बाद इन्होंने, देखिए, ये एनडीए में गए, एनडीए पुणे में गए और 15th एनडीए प्रेसिडेंशियल गोल्ड अवार्ड, यानी कि अपने बैच के ये प्रेसिडेंशियल गोल्ड अवार्ड थे, यानी कि इनको ये अवार्ड मिला था और अपने बैच के ये वन ऑफ द टॉपर थे, ठीक है। उसके बाद अगली पॉइंट समझिए, इन्होंने 1981 में एयरफोर्स एकेडमी ज्वाइन की, 127 पायलट कोर्स किया और उसके बाद वहां भी ये अपने बैच के टॉपर थे और इनको नवंगर स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। यानी कि एक ऐसा टॉपर जो अपने बैच में अपने जितने भी लोग थे उनके बीच टॉपर था। 1981 में इन्होंने इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन किया, यानी कि लगभग 40 साल का एक्सपीरियंस था इनको फ्लाइट को उड़ाते हुए, प्लेन को उड़ाते हुए, ठीक है। अब ये बात समझिए, इंडियन एयरफोर्स में ये फाइटर प्लेन उड़ाते थे, ये MiG-21 उड़ाते थे। MiG-21 आप अक्सर ही सुनते रहते हैं, ये हमारे देश का एक इंपॉर्टेंट फाइटर प्लेन है और उसको ये उड़ाते थे। इसके बाद एक और इंफॉर्मेशन देखिए, ये गोल्डन एरो 17 स्क्वाडन के मेंबर थे, उसका हिस्सा रह चुके हैं। आपको पता ही है अभी गोल्डन एरो 17 स्क्वाडन न्यूज में था, क्योंकि यही वो स्क्वाडन है अंबाला में जो राफेल को उड़ाने वाला है, ठीक है। तो ये उसका हिस्सा भी रह चुके थे, आप इनकी काबिलियत इस बात से समझ सकते हैं। इसके अलावा एक बात और समझिए, हमारे एयरफोर्स में जो टेस्टर होते हैं, यानी कि जो फ्लाइट को टेस्ट करते हैं ना, वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस पायलट होते हैं, उनमें बहुत काबिलियत होती है और दीपक साठे उन्हीं में से एक थे। ये सिस्टम टेस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि ये टेस्ट पायलट थे, कहां, इंडियन एयरफोर्स में। इसके अलावा ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड यानी HAL के भी टेस्ट पायलट थे। तो आप ये बात समझ सकते हैं कि ये एक अच्छे खासे एक्सपीरियंस नॉलेज वाले और बहुत ही काबिल पायलट थे। इसके बाद इन्होंने 2003 में एज अ विंग कमांडर इंडियन एयरफोर्स से रिटायरमेंट ले ली और इन्होंने कॉमर्शियल एयरलाइंस को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, इन्होंने एयर इंडिया में एयरबस 310 भी उड़ाया है और इन्होंने बोइंग 737 भी उड़ाया है। ये दो अलग अलग क्या हैं? ये दो अलग अलग कंपनियों के द्वारा बनाई गई प्लेन है, एयरबस और बोइंग। तो बहुत ही एक्सपीरियंस पायलट होते हैं जो इन दोनों को उड़ाते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, 7 अगस्त को वंदे भारत मिशन के तहत अखिलेश कुमार जो को पायलट थे और पायलट दीपक साठे को ये काम दिया गया कि जो दुबई में बेसिकली भारतीय फंसे हुए हैं, NRI फंसे हुए हैं, उनको इंडिया लाने का। बाकी दुबई से फ्लाइट आई, आने के बाद आपको पता ही है कल लगभग 7:45 पर जो इंसिडेंट हुआ, मैंने आपको इंसिडेंट ऑलरेडी समझा रखा है। ये जो बेसिकली फ्लाइट थी, जो प्लेन थी, वो
ओवरशूट कर गई अपने जगह जो उनकी रनवे था और ये 35 फीट नीचे जाकर गिर गई। इन्होंने काफी ज्यादा आई गेस कोशिश की होगी। देखिए जितनी इन्फॉर्मेशन बाकी है वो हमें जब ब्लैक बॉक्स की इन्फॉर्मेशन आएगी या वॉइस रिकॉर्डर आएगा तब पता चलेगा। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन किसके बारे में, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन दीपक साठे के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यही खत्म करती हूँ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और जितने भी लोग अभी भी हॉस्पिटल में हैं उनको वो जल्दी रिकवर हो जाए। एंड RIP टू विक्रम साठे एंड अखिलेश कुमार।